लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। भैया, मेरे ख्याल से इस बारे में अपनी बात हो चुकी है। हाँ वकील साहब, आज प्रेम आ रहा है, वही बात को बार बार दोहराकर मूड ऑफ मत कीजिए। आप लोग कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, प्लीज। तुमसे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ रहा भी नहीं है ममता, बस गम है तो सिर्फ इस बात का कि आज हम रामकिशन जी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। और ये सब किसके कहने पर जीजी? इन तीन तितलियों के? अरे जिनके अपने घर कभी नहीं बस पाए वो हमें गृहस्थी चलाना क्या सिखाएंगी? ये तमाशा देखने वाली है जीजी, इस घर का खेल खत्म कर किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने। ममता, मैं एक वकील हूँ, रोज देखता हूँ कोर्ट में परिवारों को झगड़ते हुए, रिश्ते टूटते हुए। इतना कह सकता हूँ, अपनी परिवार माला को तोड़कर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया है, कोई खुश नहीं रह पाया। यही देख लो, आज तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलने के बजाय एयरपोर्ट से सीधे विवेक से मिलने गया है। ये मुमकिन नहीं है प्रेम। क्यों नहीं विवेक? बेटे हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घेरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है एक बार प्रेम के साथ, चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए। प्रीतम जी, मैं आपके और प्रेम बाबू के जज्बात समझता हूँ। विवेक बाबू और साधना परिवार में लौट जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी, मगर विवेक बाबू की खामोशी बहुत कुछ कह रही है प्रीतम जी। प्रेम बाबू, विवेक बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। रामकिशन जी को सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। मौसी जी, ये रामकिशन जी के संस्कार ही तो हैं, जिसकी बुनियाद पर देखिए दो भाई आज एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया, एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं, आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं। मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया। विनोद कैसा है तू? ए वन भैया, हम चाचा बनने वाले हैं, आप बड़े चाचा और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी, हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए। नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल, एक भी नहीं?
अच्छा ठीक है, आधा खा लेता हूँ। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं। तू प्रेम से कुछ मत कहना मुमू, उससे हम बात करेंगे। That's right, मुमू, you leave him to us। लगता है आ गया। आपने मुझे बुलाया आंटी? हाँ बेटा, अरे अंदर तो आओ, आओ। हेलो प्रेम बेटा, कम इन, आओ बैठो बैठो। देख प्रेम, तेरी माँ ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, सब तेरी और विनोद की भलाई के लिए तो किया है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है, इसलिए तू अपनी माँ से नाराज मत होना प्रेम। मैं तो कहती हूँ मुमू ने ऐसा किया ही क्या है। ये देख प्रेम, जब से पता चला है कि साधना खुशखबरी देने वाली है, हम तो खुशियाँ बांटने में लगी है। कल क्लब की सारी लेडीज को हम ये साड़ियाँ बांट रहे हैं, और जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं, उन्हें हम ये चांदी का प्रेजेंट दे रहे हैं, और क्या चाहिए। प्रेम, इतना तो कोई सगी माँ भी ना करे। मैं चलो। प्रेम, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा प्रेम। पहले सब यहाँ कुछ नहीं है माँ, न मैं न तुम। देखो प्रेम, विवेक भैया ने खत में क्या लिखा है। अनवर, प्रेम आज मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, आज सारे दिन उसके साथ रहना, उसके पास रहना। रुपयों पैसों में उसने रिश्तों को कभी नहीं तोला है, उसकी सरलता को हमने हमेशा उसकी कमजोरी समझा है, दरअसल यही उसकी शक्ति है। उसे बहुत प्यार, तुम्हारा विवेक है। बेटा एक बात पूछूं, जब बड़े भाई का प्यार, बाबूजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते बेटा, यहां क्यों? ये बड़े भैया का अधिकार है खान साहब, जब भी वे आए, जिस दिन भी, उन्हें सब वैसा का वैसा मिलेगा। ओहो मुमू, तू बिना वजह घबरा रही है, प्रेम को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोंट वरी एट ऑल। यस डार्लिंग, वैसे जो हमने चाहा वो तो हो गया, प्रेम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तू तो उसके खाने की मनपसंद चीजें बना और अपने हाथों से उसे खिला। हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। अच्छा भाईजान, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना। जी भाईजान। हाथ मुंह धोकर आ जा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू माँ, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने।
शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ, अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया, विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई? याद करो मां, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया? संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं? जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है मां? सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता मां, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रहकर विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा।